सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज दशरथ ने कैकेयी जी को वरदान क्यों दिए थे, इसकी कथा अध्यात्म रामायण में है। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें दशरथ जी महाराज भी जाते थे राक्षसों से युद्ध करने के लिए देवता के तरफ से। और उस युद्ध में महाराज दशरथ कैकेयी माँ को भी ले जाते थे। कैकेयी जी को इसलिए क्योंकि कैकेयी जी वीरांगना नारी थी। युद्ध हो रहा था, महाराज शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। उसी समय अचानक दशरथ जी के रथ का पहिया, आप लोग रथ देखे होंगे, पुराने जमाने में रथ होता था और काठ का पहिया बना रहता था, तो रथ के पहिए का कील, बीच में एक कील होता है जिसके आधार पर टिका रहता है, अचानक कील निकल गया। और कैकेयी माँ ने देखा कि कील निकल गया तो माता कैकेयी ने कील के जगह पर अपना उंगली दे दिया था। महाराज दशरथ ने पूरा युद्ध लड़ा और माता कैकेयी अपने उंगली को डाली रही। विजय श्री दशरथ जी को प्राप्त हुई। उसी समय दशरथ जी ने कहा था, हे रानी तुम मेरे से दो वचन मांगो, जो मांगोगी हम दे देंगे। और महाराज दशरथ ने कहा था, कैकेयी माँ ने कहा था, अभी नहीं मांगेंगे, समय आने पर मांग लेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इतने बड़े रथ के पहिए में कैकेयी माँ ने अपनी उंगली दे दी तो उनके हाथ में कष्ट नहीं हुआ, उतना बर्दाश्त कैसे कर ली, और रथ चलते रहता था। तो उसके भी कारण हैं। कारण यह है कि एक बार कैकेयी देश में एक संत आए, कैकेयी माँ के भवन में रहते थे महात्मा, बैठ के पूजा कर रहे थे। उस समय कैकेयी जी बहुत छोटी थी और बाल सुलभ चंचलता के कारण महात्मा जी आंख बंद के ध्यान कर रहे थे, बंद करके, तो कैकेयी जी ढेर सारा कालिख ले ली और महात्मा जी के मुंह में लगा दी। कालिख, ऐसे बच्चे, कुछ लोग चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, हंसी हंसी में कालिख पूरा लगा दी। महात्मा जी पूजा करके जब उठे तो देखते हैं मेरे मुख में कालिख लगा है। महात्मा को क्रोध आ गया और उन्होंने कैकेयी जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे मुख में कालिख लगाया, तुम्हारे जीवन में ऐसा कलंक लगेगा जो कभी नहीं छूटेगा। सज्जनों, कैकेयी जी दुखी हो गई, महात्मा जी क्रोधित होके उठे और जाने लगे, तो दुख में कैकेयी जी ने उनका कमंडल उठाया और उनके हाथ में दे दिया। सोचा श्राप दे ही दिए तो महात्मा का कुछ सेवा कर देते हैं, कमंडल छूटा तो उठा के दे दिए। और संत का हृदय तो कोमल होता है, संत जी को दया आ गया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जिस हाथ से तुमने मुझे कमंडल उठा के दिया तुम्हारा वो हाथ वज्र के समान मजबूत हो जाए। और इसीलिए सज्जनों कैकेयी जी का दाहिना हाथ वज्र के समान था, इसीलिए युद्ध में कैकेयी जी को भी लेके जाते थे महाराज दशरथ। जब कील में उन्होंने, कील के जगह पर उन्होंने अपना हाथ डाला तो उनके हाथ में कोई कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हाथ है वज्र के जैसा।